एक नहीं दो नहीं, क्या हो अगर मैं बोलूं कि एक बार एक ऐसा पोजीशन का केस हो चुका है जिसमें एक इंसान के अंदर 7 डीमंस घुस गए थे। तो ऐसा कुछ हुआ था 1700s में इंग्लैंड में रहने वाले जॉर्ज ल्यूकिंस के साथ, जो कि एक इंग्लिश टेलर थे, और उनका अजीब बिहेवियर उनके नेबर्स पड़ोसी नोटिस किए थे। जॉर्ज ल्यूकिंस कुछ टाइम से कुछ अजीब लैंग्वेज बोलने लगा और उसके वॉइस में भी कुछ अजीब सी बदलाव आने लगी थी, और साथ ही साथ वो अपने घर से ही अजीब अजीब आवाजें निकालता था और भौंकता था, और नेबर्स को ऐसा लगता था कि किसी चीज ने उसे पोजेस कर लिया है और वो घर में अकेला ही रहता था। और ये सब होने के बाद उसके नेबर्स ने और एक प्रीस्ट ने उसे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भेज दिया, और जॉर्ज हॉस्पिटल में 20 हफ्ते गुजारने के बाद डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि उसको हुआ क्या है। क्या हुआ ये पता करना डॉक्टर्स के एबिलिटी के बियॉन्ड था। ना कोई बीमारी थी, ना कोई कुछ निकल रहा था उसके बॉडी के अंदर से, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल बता रहे थे। फिर वहाँ के कम्युनिटी मेंबर्स ही सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या ये पोजेस्ड नहीं है ना। अगर कोई इंसान अजीब एक्ट कर रहा है और सबसे टॉप डॉक्टर जो शहर का या फिर पूरे कंट्री का है उसको आप दिखा दिए और 100 डॉक्टर्स चेक करने के बाद बोले कि कुछ है ही नहीं इस इंसान को, तो जब ऐसा होता है तब कुछ पैरानॉर्मल केस ही होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ इसके साथ, और इसके बाद कम्युनिटी मेंबर ने ये डिक्लेयर किया कि इसका एक्सोसिज्म होना चाहिए, इसका झाड़ फूक होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के एक इंसान जिनका नाम था जोसेफ ईस्टरबुक, उन्होंने मिनिस्टर्स से कांटेक्ट किया और 6 स्पेशल लोगों को प्रेयर में शामिल किया, और वो सारे टोटल 7 लोग एक्सोसिज्म में शामिल हुए। और 13 जून 1778 को ये एग्जैक्ट डेट है जब एक्सोसिज्म हुआ, और जब एक्सोसिज्म हो रहा था ना तब वो कहने लगा तुम लोग फेल हो जाओगे, और हाई पिच और लो पिच वॉइस से वो कभी मेन का आवाज निकाल रहा था, कभी औरत का आवाज निकाल रहा था जब उसका झाड़फूक हो रहा था। टोटल 7 लोग लगे हुए थे इसके एक्सोसिज्म में, और 7 प्रीस्ट एक साथ प्रेयर करके सारे डीमंस को आदेश दिए और सक्सेसफुली बाहर निकाले। निकलने के बाद प्रीस्ट ने जॉर्ज को ब्लेस किया, और उसके बाद ये एक्सोसिज्म का केस न्यूज में भी पब्लिश हुआ। जब ये पोजेस्ड था तब ये बिल्कुल अलग ही इंसान बन गया था, और जैसे ही सारा आत्मा निकल गया वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन ये नहीं पता चला कि उसके अंदर डीमन आया कहाँ से था, शायद किसी पोर्टल से आया हो, शायद किसी प्रेत आत्मा को चैलेंज करने से आया हो, किसी को नहीं पता। और ये बहुत ही अजीब केस था, और ये भी पूरे हिस्ट्री के सबसे अजीब कॉम्पेलिंग पोजीशन के केसेस में से एक था। और कुछ टाइम के लिए एक इंसान के अंदर 7 डीमन का घुस जाना ऐसे सबसे रेयर केसेस में से सबसे अजीब सा केस था। इट्स रियली अनएक्सप्लेनेबल एंड मिस्टीरियस। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।